स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के इस मैसेज के साथ पीएम मोदी ने किया G20 समिट का समापन, ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। वाहनों पर ब्रेक के बाद दिल्ली की हवा हुई साफ, 9 सितंबर को इस साल का सबसे कम आया AQI। G20 विदेशी मेहमानों ने शिल्प कला की जमकर की तारीफ, कहा कलाकृतियों में ही समाई है भारतीय संस्कृति। मराठा संगठन ने 11 सितंबर को ठाणे में किया बंद का ऐलान, मराठा समुदाय पर लाठीचार्ज की घटना की लगातार हो रही आलोचना। नासिक में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बहरी गोदावरी नदी, बाढ़ जैसे बने हालात। औरंगजेब पर आई महाराष्ट्र की सियासत, उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर दिया विवादित बयान, बोले मैं हूँ औरंगजेब की औलाद, तो आप क्या कर रहे थे 2.5 साल मेरे साथ। दुर्ग में डेंगू का प्रकोप जारी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, जिले में अब डेंगू के 13 मरीज एक्टिव। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर तेजस्वी ने मिशन 24 को किया एक्टिव, पार्टी नेताओं को बैठक में दिए कई मंत्र। टाइगर अभी जिंदा है, घोषित फतेह के बाद शिवपाल यादव के समर्थन में सपा कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग। मुरादाबाद में लगातार बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, शहर की सड़कें बनी तालाब।